हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की जो न्यायिक सेवा परीक्षा है उसका अपडेट जो आया है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2023, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी नोटिफिकेशन फॉर सिविल जज एग्ज़ाम। जो लोग सिविल जज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक और एग्ज़ाम जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश सिविल जज की वैकेंसी ओपन हो चुकी है। और जो लोग इस वैकेंसी को देना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, वो लोग इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी हैं वो सारी इस चैनल में बताई जाती हैं। जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो इस चैनल में समय समय पर देने की पूरी कोशिश की जाती है। साथ ही आपकी स्टडी से रिलेटेड, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, या फिर प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो ये आपकी स्क्रीन पे पूरा नोटिफिकेशन है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 17 पोस्ट। देखो 17 पोस्ट हैं, लेकिन हिल स्टेशन है, अच्छी जगह है हिमाचल प्रदेश। तो जो लोग यूपी या उत्तराखंड वाले तो खैर अप्लाई करेंगे ही, जो लोग यूपी या साइड बाई एरिया से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग ज़रूर इस एग्ज़ाम को दें। इसमें 17 पोस्ट हैं, पोस्ट कम है तो वैकेंसीज़ के लिए लोग अप्लाई भी जाहिर सी बात है कम करते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए पोस्ट मैटर नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं लाई कर जाते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो आप अपना यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, उनकी तैयारी अगर ठीक उन्हें लगती है तो उन्हें ज़रूर एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ये 17 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड 3 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। इसमें जो है एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं ये 17, और एंटिसिपेटेड पोस्ट 4 हैं, यानी कि 4 पोस्ट और बढ़ सकती हैं, उनको एंटिसिपेट किया जा सकता है बाद में। 4 और मतलब हरियाणा हिमाचल प्रदेश सॉरी हरियाणा हरियाणा कह के गलती से हिमाचल प्रदेश के लिए 1 सीट रिजर्व है, और ओबीसी के लिए 3 है, इसमें अनरिजर्व 4 हैं। और सिविल जज जो पे स्केल है वो है 77,840 से 136,520, जो कि बहुत अच्छी पे स्केल है। और अगर इससे रिलेटेड अगर और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप इस डायरेक्टली वेबसाइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल इंस्ट्रक्शंस बता सकता हूँ क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी के जो हिमाचल प्रदेश में उनके लिए रिजर्वेशंस हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो ये है कि कैंडिडेट जो है उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अ होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ एज रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं दिया है इसमें, ये दिया हुआ है कैंडिडेट जो है लॉ की डिग्री उसके पास होनी चाहिए और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट 35 साल तक दी हुई है, रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी को 3 साल की छूट दे रखी है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट दिखा रखी है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 7 हैं, इंक्लूडिंग 4 एंटिसिपेटेड पोस्ट। देखो जो 4 एंटिसिपेटेड पोस्ट हैं उनको इंक्लूड करके 7 कैटेगरी की पोस्ट हैं। शेड्यूल कास्ट की पोस्ट 3 है, इसमें शेड्यूल ट्राइब की पोस्ट 3 है। तो इस तरह से, और इसमें एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे और जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो जो वेबसाइट है वहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव, आपका जो एप्लीकेशन है उसको आप भर सकते हैं फॉर्म को जा करके। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जो 400 रुपये हैं जनरल कैटेगरी के लिए और स्टेट के लिए, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये की फ़ीस है यहाँ पे। पेमेंट का मोड है वो दिया गया है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और मैं उनके रिजोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जहाँ तक है नहीं है, मैंने पढ़ लिया है तो उसको मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम मोड है, मैं देख लेता हूँ। ये देखिए आपका सिलेबस है जो मेन मतलब की चीज़ है यहाँ पे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आएंगे, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 100, जिसमें सिविल लॉ,
सिविल लॉ वन, सिविल लॉ टू और नंबर तीन पे क्रिमिनल लॉ, ऑल थ्री पेपर शैल बी 1 आवर ड्यूरेशन। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें, और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका सेंटर्स की बात की गई है यहाँ पे और मेन एग्ज़ाम्स की, यहाँ पे पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री में ये क्या एग्ज़ाम है ये दिए हुए हैं। तो ये सिलेबस है और इस तरह से जो ये एप्लीकेशन की डिटेल है मैं यहाँ पे आपको पोस्ट कर देता हूँ, आप जो है ये डिटेल डायरेक्टली लिंक पे जा करके बाकी सारी डिटेल देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। डिटेल कैसी लगी आपको आप ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, और अगर चैनल में आप नए हैं या फिर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।